हेलो फ्रेंड्स, स्किल लर्निंग में आपका स्वागत है। मैं आज आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर ये चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। उसमें हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन तो पहले ही कर रखा है, हम आज थर्ड क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का कंपोजिट मैथ की बुक से है, क्लास 8th का। और ये एस के गुप्ता के द्वारा रिटेन है। तो ठीक है, हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ फ्रेस या रेट 15625 रुपीज एट द रेट ऑफ पर एनम फॉर 3 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। तो फाइंड द अमाउंट, हमें अमाउंट निकालना है और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ऑन ए सम ऑफ मनी, जब भी देखिए सम ऑफ मनी दे दिया जाए तो सम ऑफ, सम का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट भी प्रिंसिपल होता है। तो हमने यहाँ प्रिंसिपल, जो भी सम ऑफ मनी दे रखा था, प्रिंसिपल की जगह पुट कर दिया। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया सम का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल है। एट द रेट ऑफ 4% पर एनम, ये क्या दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है जो कि 4% पर एनम है। इसकी जगह हमने ये पुट कर दिया। रेट जब भी कोई चीज़ परसेंट में दे रखी है तो समझ लीजिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। फॉर 3 ईयर्स, इसमें टाइम दे रखा है 3 ईयर्स का। ठीक है, तो टाइम की जगह हमने टाइम पुट कर दिया। हमें क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट इज इक्वल टू बी वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ये अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है जब भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली हो, कंपाउंडेड हो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात की जाए, तब हमें अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रिंसिपल की जगह हमने प्रिंसिपल की वैल्यू जो हमने निकाल के इधर अलग रख ली है वो पुट कर दी है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि परसेंटेज में दे रखा है 4 अपॉन 100 की पावर एन, कितने टाइम दे रखा है, 3 ईयर्स। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये कट करेंगे, ये 2 से कट हो रहा है, 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 0, 2 बन जा 2 और ये 2 से कट होगा, 2 जा 4 बन रिमाइंडर, 2 5 जा 10। तो क्या आ गया, कट करके 1 अपॉन 25 ये रखा है। अब इसके एलसीएम लेके आ जाएगा 26 अपॉन 25 की पावर 3। ठीक है, तो प्रिंसिपल का प्रिंसिपल हम उतारते हुए आ रहे हैं और इसको हमने सॉल्व कर लिया। प्रिंसिपल का प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाई ये 3 टाइम्स है। आपको ये फॉर्मूला पता होगा, पहले ही आप कर चुके होंगे, ए की पावर एन इज इक्वल टू या ए की पावर 2। अगर ए 2 बार है तो हम कैसे लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई बाई ए। ऐसे अगर ए 3 बार है तो ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए। तो इसे अगर हम ए मानते हैं और ए 3 बार है तो उन तीनों का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, होल के लिख दो। अब 25 से कटेगा, 25 से ये कटेगा 6 to 5 times। अब 25 से ये 6 to 5 कटेगा 25 times और 25 से 25 1 times कट जाएगा। तो ये हमारा 25 और ये वैल्यू बिल्कुल हमारी फिनिश हो गई। अब हमारा 26 मल्टीप्लाई बाई 26 बचा है, इन तीनों का मल्टीप्लाई करके हमारा 17576 आ रहा है। तो हमारा अमाउंट निकल आया। अब हमें क्या निकालना है, उसने अमाउंट का पूछा, हमने उसे अमाउंट निकाल के दे दिया। अमाउंट इतने रुपीज़ आया, हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछ रहा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है अमाउंट माने माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट की जगह अमाउंट की वैल्यू, अमाउंट हमारा कितना है 17576, इसकी जगह अमाउंट की वैल्यू माइनस प्रिंसिपल की जगह, हमने बताया था सम ऑफ मनी, सम दे रखा जाए तो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल की जगह हमने प्रिंसिपल की वैल्यू रख दी। अब बस हमें माइनस करना है और आंसर आ जाएगा हमारा। 6 में से 5 गए 1, 7 में से 2 गए 5, 15 में से 6 गए 9 और 6 में से 5 गए 1। तो हमारा इतने रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट हमें देना है और हमारा अमाउंट इतना है। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सर, डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला पुट करके करना था। अब अगला क्वेश्चन है, इसका कंपोजिट मैथ का ही है, क्वेश्चन नंबर 4। शेखर टेक्स अ लोन ऑफ इतनी रुपीज़, मतलब 10,000 rupees एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 100% पर एनम।
जो शेखर था उसने इतने रुपीस का लोन लिया। लोन लिया मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वो होता है जो शुरुआत में हम लेते हैं किसी से, या सम ऑफ मनी। ठीक है, एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रेट पर एनम। पीए का मतलब यहाँ पे पर एनम है, पीए पर ए फॉर एनम। आर इज इक्वल टू यहाँ पे है 10%। मैंने आपको पहले ही ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, जब भी परसेंट में देखा रखा हो तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब देखिए, ये क्वेश्चन फोर पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट कह रहा है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन 1 ईयर्स। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है केवल 1 साल के लिए। तो पहले वाले पार्ट के अकॉर्डिंग टी की वैल्यू हमारी क्या होगी, टाइम कितना होगा, 1 ईयर। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले अमाउंट निकालना तो ज़्यादा ईजी रहता है। ए बराबर पी 1 + R/100 की पावर एन से अमाउंट हमारा निकल आएगा। ए की जगह ए की पी की जगह पी की वैल्यू पुट कर दूँ, 1 + R की जगह आर की वैल्यू, आर की वैल्यू हमारी ये है, 100। टी यहाँ पे 1 ईयर था पहले वाले पार्ट में, यहाँ पे टी 1 ईयर दे रखा है। ठीक है, 0 से 0 गया, 10,000 1 + 1/10 की पावर 1, उसका एलसीएम लेंगे तो 11/10 आ जाएगा। 0 से 0 गया, 11 बन जाए 11 तो आ जाएगा 11,000। इतना रुपीस हमारा अमाउंट आया, ये हमारा क्या आया, अमाउंट। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि उसने हमसे अमाउंट ना पूछ के कंपाउंड सीपी पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए हमारा अमाउंट आ गया, हमें सी आई का फॉर्मूला लगाना है, a - p। ए की जगह हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, माइनस पी प्रिंसिपल कितना था, 10,000 रुपीज़। ठीक है, 0 से 0 गया 0, 0 से 0 गया 0, 0 से 0 है, 3 0 से 3 0 है, 3 0 बचे, लाइन में से 10 गया 1। तो इतने रुपीज़ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, हमारा पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, इसी प्रिंसिपल पे, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ भी रखा है प्रिंसिपल हमारा 10,000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% था, और हमारा टाइम था 2 ईयर्स। हमें 2 ईयर्स के लिए निकालना था, क्या निकालना था, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जाए तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा के निकाला जाए तो बहुत ज़्यादा ईजी पड़ता है। आर की जगह आर की वैल्यू पुट करेंगे, टाइम हमारा 2 ईयर्स दे रखा है, ये है टाइम। यहाँ पे एन लिखो या टाइम लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 + 0 से 0 गया, अब क्या रह गया यहाँ पे, 1/10 की पावर 2। 10 - 10 = 11/10, ये 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई हुई 11/10, तो उसे 2 टाइम्स लिख दिया, 11 11 या 1 2 1 0 मल्टीप्लाई करके इतने रुपीज़ हमारा अमाउंट आ गया। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, a - p। ए की वैल्यू कितनी है, 1 2 1 0 माइनस प्रिंसिपल है हमारा 10,000 रुपीज़, माइनस करिए 2100 रुपये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया, जब सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग जब हमारा टाइम 2 ईयर्स था। अब हमसे थर्ड वाली चीज़ पूछी जा रही है, वो है हमारी, ये देखिए, सम ऑफ मनी एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स।
सम ऑफ मनी पूछा जा रहा है 2 ईयर्स के एंड पे। सम ऑफ मनी 2 ईयर्स के एंड पे कितना होगा? हमारा ये तो ऑलरेडी निकला हुआ है तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे अगर आप अगला दोबारा से, बस इतना प्रोसेस होगा सम ऑफ मनी के लिए। तो थर्ड वाला पार्ट भी आराम से सॉल्व हो गया। अब फोर्थ वाला पार्ट है, हमसे पूछा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। जब हमारा प्रिंसिपल 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम टू क्वेश्चन 2 ईयर्स है, तो हमसे पूछा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन सी आई माइनस एस आई। डिफरेंस बिटवीन मतलब माइनस, बिटवीन सी आई माइनस एस आई, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितने ईयर्स के बाद के लिए पूछा जा रहा है हमारा? अगर 1 ईयर के लिए पूछा जा रहा है तो हमारा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट में। 1 ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हमने लास्ट में निकाला था, फर्स्ट वाले पार्ट में हमारा आ रहा था 1,000 माइनस। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट अभी हमारा नहीं निकला है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है 10,000 मल्टीप्लाई बाई आर कितना है 10। 1 ईयर की नहीं निकाल रही हूँ अभी मैं, इसलिए टी इज इक्वल टू 1 ईयर अपॉन 100। दो जीरो से दो जीरो गए, 100 10 या 1,000, इतना सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो 1 ईयर के बाद दोनों का डिफरेंस जीरो अगर 1 ईयर का पूछा जा रहा है तब। लेकिन अगर 2 ईयर्स का पूछा जा रहा है तो हम यहीं पे कंपाउंड इंटरेस्ट में टी की जगह बस, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट में टी की जगह 2 पुट करेंगे और ये वही कटिंग होगी और 2,000 या 2,000 इतना हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर फॉर 2 ईयर्स सी आई माइनस एस आई, सी आई हमारा कितना आया था 2100 रुपीस, एस आई कितना आया था 2,000 रुपीस। तो हमारा फॉर 2 ईयर्स के लिए दोनों के बिटवीन डिफरेंस कितना आएगा 100 रुपीस। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर 1 ईयर्स के लिए डिफरेंस पूछा जा रहा है तो सी आई माइनस एस आई फॉर यहाँ पे टाइम 1 ईयर्स लगा के निकालेंगे, और अगर 2 ईयर्स के लिए पूछा जा रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट में 2 लगा देंगे। ये हाल हो जाएगा, आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। नमस्ते, शुभ रात्रि।